इनसाइट में आज बात कर रहे हैं हम बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, जो ये दावा करते हैं कि उनके दरबार में आए हुए श्रद्धालुओं की परेशानियों का उन्हें स्वतः ही पता लग जाता है और उसका निराकरण भी वो बता देते हैं। लेकिन बाबा का दरबार लगा मुंबई के मीरा रोड पर, और इस दरबार की खासियत ये कि दरबार में भले उन्होंने अपने विरोधियों को चुनौती दी हो, लेकिन यहाँ एक कहावत जरूर चरितार्थ हुई, वो ये कि आखिरकार नमाज पढ़ने जाए और रोजे गले पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ साथियों उन लोगों के साथ, उन महिलाओं के साथ जो उस दरबार में गई। वहां गए उन श्रद्धालुओं के साथ सबसे बड़ी चोट यह हुई कि दरबार खत्म होने के बाद जब वो बाहर आए तो उनकी या तो जेब कट गई या उनके आभूषण गायब हो गए। इस तरह से घटनाओं को लेकर करीब 3 दर्जन से ज्यादा महिलाएं थाने पहुंची, और उनका कहना है कि उनके मंगलसूत्र, चैन या उनके पैसे गायब हो गए। बात यह नहीं है कि ये घटनाएं भीड़भाड़ में होना आम बात है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं तो इस तरह से जेब तराश और बदमाश समाज कंठक लोग इस तरह के काम करते हैं। सवाल यह है कि क्या जो बाबा ये दावा करते हैं कि उन्हें भक्तों की परेशानी का पता लग जाता है, तो क्या बाबा को ये पता नहीं लगा कि इन महिलाओं की जेब तराशी या उनके आभूषणों को चुराने वाले लोग इस पूरे पंडाल में मौजूद हैं? और अगर हैं तो वो कौन लोग हैं? तो क्या बाबा उनको चेता नहीं सकते थे, चेतावनी नहीं दे सकते थे कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, इस पंडाल में इस तरह के लोग हैं, भाई आप चले जाइए, मुझे सब पता है आप कहाँ हैं। इस तरह का भी लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो कम से कम 3 दर्जन वो गरीब महिलाएं जिनके मंगलसूत्र, चैन या फिर उनके पैसे गायब हुए तो बच जाते। ये बाबा की उन चमत्कारों पर भी सवाल है कि आखिरकार बाबा को उन्हीं की नाक के नीचे से चैन, मंगलसूत्र जैसी चीजें गायब हो गई और बाबा को खबर नहीं हुई, और बाबा बैठकर अपने विरोधियों को चुनौती देते रहे, और बाबा के ही मैदान में कबड्डी का पाला देकर कुछ अपराधी किस्म के लोग, जेब तराश लोग अपना काम कर चले गए। बहरहाल हम इस पे कुछ कह नहीं सकते, ये तो बात है लोगों की कि आखिरकार बाबा के इन चमत्कारों का क्या हुआ, जो मुंबई के मीरा रोड के इस पंडाल में हुआ वो कैसे हुआ।